लुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कहां पर है लोकेशन, मैसूर कर्नाटक के अंदर लुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम लोग को देखने को मिलती है। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने रिकमेंड किया है कि लुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के कोर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? कोर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि वहां पर टाइगर की संख्या ज्यादा है और भी दूसरे जानवरों की संख्या ज्यादा है, तो उस एरिया को प्रोटेक्ट करना है, राइट। तो इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के लिए फ्लोरा और फौना वहां पर डाइवर्स अलग अलग प्रकार का हमें देखने को मिलता है, उसको प्रोटेक्ट करना है। यहाँ पर हाई डेंसिटी एलिमेंट पॉपुलेशन की है, टाइगर की है, लेपर्ड की है, तो इसलिए उसको कोर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट जो है वो बना दिया गया है। और ये कर्नाटक के अंदर है, इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यहाँ पर लुगु नदी जो है वो बहती है। दूसरी चीज, इसको 1974 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में 2003-2004 में इसको शामिल किया गया। इसके अलावा बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो एस्टैब्लिश हुआ था 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, और इसका इन्लार्जमेंट 1985 में हुआ और इसका नाम बांदीपुर नेशनल पार्क रख दिया गया। वो याद रखने की जरूरत थी। बांदीपुर टाइगर रिजर्व को बस आपको ध्यान रखना है। इसके आसपास मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है जो तमिलनाडु के अंदर आता है, वेनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो केरला के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है, और काबिनी रिजर्वायर जो हम लोग को इसके नॉर्थ वेस्ट में जो है वो देखने को मिलता है, जो सेपरेट करता है इसको नागरहोल टाइगर रिजर्व से। और कौन सी नदी है यहाँ पर? तो काबिनी नदी, मोयार नदी और लुगु नदी, हम लोग को तीन प्रकार की नदियां देख। ऐसे क्वेश्चन अक्सर जो है वो आते हैं इससे रिलेटेड। आगे की चर्चा करें, क्वेश्चन का आंसर बताओ। सर अगर यूपीएससी का पेपर तुक्के के बारे होना 100% सब लोग नहीं भैया तुक्का नहीं। देखो क्या होता है, दो चीजें होती है, अगर आंसर नहीं आ रहा तो आपको स्मार्ट गैस करना आना चाहिए, और स्मार्ट गैस मतलब स्मार्ट गैस होना चाहिए किसी ना किसी लॉजिक के पीछे। इसलिए मैंने पूछा था कि क्या लॉजिक है। डी करते करते बी बोला क्या? नहीं बी बोला। अच्छा बोला बी, सुना डी। चलो क्रिटिकल कोर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट इज द करेक्ट आंसर।